हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो आप वीडियो में देख रहे हो, ये धनिया का प्लांट है। इस प्लांट को लॉन्ग कोरिएंडर, वाइल्ड कोरिएंडर, मैक्सिकन कोरिएंडर और हिंदी में जंगली धनिया भी कहा जाता है। इस धनिया प्लांट को गमले में कैसे लगाया जाता है, उसके सारे प्रोसेस इस वीडियो में दिखाया है। आप वीडियो को देखते रहिए। हमने यहाँ पर जो मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल मिट्टी 40% और गोबर की खाद 20%, और हमें चाहिए सैंड यानी बालू। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस पॉट में हम प्लांट को लगाएंगे। पॉट के नीचे एक ड्रेनेज होल होना जरूरी है। हमने यहाँ पर सबसे पहले पॉट के अंदर थोड़ा बालू भर दिया है, उसके बाद मिट्टी डाल रहे हैं। थोड़ा मिट्टी डालकर फिर प्लांट को बिठाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हो। गमले को हमने आधा मिट्टी से भर दिया है। अब हम प्लांट को बिठाएंगे। अब देख सकते हो, ये है लॉन्ग कोरिएंडर प्लांट। अब हम इस प्लांट को पॉट की बिल्कुल बीचों बीच बिठाएंगे और फिर चारों तरफ से मिट्टी से भर देंगे। दोस्तों, इस प्लांट को आप साल भर यूज कर सकते हो, चाहे चटनी बनाकर या फिर सब्जी में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे छोटे पत्ते वाले हरा धनिया है, उसको सीजन में आपको अवेलेबल रहता है, लेकिन इस धनिया को आप ऑफ सीजन में भी यूज कर सकते हो। इस धनिया प्लांट ज़्यादा धूप और गर्मी में प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जब पॉट का मिट्टी सूख जाएगा, तब तब इसमें पानी डालना होगा। पॉट में एक ड्रेनेज होल होना जरूरी है, ताकि जब भी बारिश या फिर ज़्यादा पानी हो पॉट में, तब उस ड्रेनेज होल की मदद से बाहर निकल सके। फ्रेंड्स, इस प्लांट आपको ऑनलाइन या फिर नर्सरी में अवेलेबल मिल जाएगा। आप वहां से खरीद कर ऐसे पॉट में लगा सकते हो अपने घर पर। छोटे हरा धनिया से भी ज़्यादा इसकी स्मेल है। इस धनिया प्लांट का नीचे की तरफ से एक एक पत्ता निकलकर, जितना ज़रूरत होगा आप पत्ता निकलकर यूज कर सकते हो। ये फिर से पत्ता निकल जाएगा। इस तरह से एक प्लांट को लगाने के बाद इसकी साइड से और भी नया प्लांट निकल जाएगा। आप अपने घर में ज़रूर एक ऐसे ही एक प्लांट लगाइए और इसका यूज कीजिए। काफ़ी अच्छा प्लांट है और इस धनिया का टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम है जैसे छोटे धनिया का होता है। अब देख सकते हो, पॉट में प्लांट को बिठा लेने के बाद चारों तरफ से मिट्टी से भर दिया है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। जब भी पॉट का मिट्टी सूख जाएगा, तब तब इसमें हम पानी डालेंगे। अगर हम खाद की बात करें इस प्लांट को लगाने के लिए, तो आप गोबर की खाद या फिर कोई भी कंपोस्ट खाद का यूज कर सकते हो। और अगर ठीक से प्लांट ग्रो नहीं हुआ, तो आप एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, आपका कीमती टाइम देकर हमारा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे हमारा अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।